स्पेशल है? ये केक भिंडी से बनी है। What? भिंडी? You mean lady finger? Yes. Lady? Why did your finger stop just before the cake? क्योंकि मैं तो पानी ले रही थी। Smart. Oh my God! मैं तो इसके ऊपर का क्रीम भूल ही गई। मैं अभी आई हूँ। बाप रे। ये सूचे? भिंडालू केक? कितना shocking है? अभी तो सिर्फ शॉक लगा है। खाने के बाद करंट लगेगा। क्या? इसको खाना पड़ेगा? और नहीं तो क्या? आपको क्या लगा? ये हमारे शोकेस में रखने के लिए लाए हैं? नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाली। हाँ, मैं भी नहीं खाने वाली हूँ। खाने वाली तो मैं भी नहीं हूँ। लेकिन बोलेंगे क्या? क्यों नहीं खा रहे हम? सोचते ना, कुछ सोचते। सोचने भी नहीं देती है। Delicious white onion cream. कांदानू क्रीम? हाँ, भिंडी के केक के साथ सफेद कांदे का क्रीम बहुत टेस्टी लगता है। मानना पड़ेगा अंजलि भाभी, सब वेजिटेरियन केक बनाते हैं, लेकिन आपने वेजिटेबल केक बना दिया। ओह कम ऑन कोमल भाभी, बस तारीफ ही करेंगी कि खाएंगी भी? खाइए ना। सो सॉरी, मैं आज नहीं खा सकती, आज ना मेरा फास्ट है। तुम्हारा भी? व्हाट यू मीन बाय तुम्हारा भी? मतलब मेरा भी आज फास्ट है। बट यू नो व्हाट, रोशन भाभी लकी है, पूरा केक आपको खाना पड़ेगा। आई नो राइट, यू आर सो लकी। खाओ। नहीं रे नहीं, आई सो बोलो। अगर ये पूरा केक मैंने खा लिया तो मुझे दूसरा मेडिकल इंश्योरेंस निकालना पड़ेगा। यू नो व्हाट, अगर माधवी भाभी अपनी मौसी के घर में पूजा करने नहीं गई होती ना, तो वो तो ये पूरा केक खा जाती है। नहीं नहीं, आज तो माधवी भाभी का भी उपवास होता। रहने दीजिए आप लोग, मैं जानती हूँ आप लोग बहाने बनाकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों का मजाक उड़ा रही हूँ। ये केक भिंडी का केक नहीं है, ये प्लम केक है। नॉटी अंजलि भाभी। और ये अनियन क्रीम नहीं है, ये क्रीम चीज है। लीजिए लीजिए, आई अश्योर यू कि आपको मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराना पड़ेगा। अबे तो नहीं। लीजिए लीजिए। थैंक यू। सुपर, लव इट। ऑल थैंक यू, एकदम बढ़िया है। लेकिन अंजलि भाभी, केक किस खुशी में बनाया है? कल 29 फरवरी है ना। अच्छा, हाँ 29 फरवरी पे आप केक बनाते हो? कल पोपट भाई का बर्थडे है ना। हाँ, इसलिए मैं उनके लिए केक बना रही थी, तो सोचा हम सबके लिए भी बना लूं। So sweet. अच्छा, मैं क्या कहती हूँ, कल उनके बर्थडे के लिए हम उन्हें ऐसा कोई गिफ्ट देते जो उन्हें बहुत काम में आएगा। सही कहा तुमने, 4 साल में एक बार उनका बर्थडे आता है। कैसा बैड लक है ना पोपट भाई का, उनकी लाइफ में इंतजार ही लिखा है। 4 साल तक बर्थडे का इंतजार और शादी का इंतजार तो चल ही रहा है। फिलहाल पोपट भाई की शादी धूमधाम से कराना तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कल पोपट भाई का बर्थडे धूमधाम से सेलिब्रेट करना हमारे हाथ में है। कल हम सब गोकुलधाम वासी उनका बर्थडे धूमधाम से मनाएंगे। हाँ। और टप्पू सेना को भी कह देते कि कल की तैयारी वो आज से शुरू कर दे। अरे उनको बोलने की जरूरत ही नहीं है, उन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी होगी। हाँ। हर सेलिब्रेशन की तैयारी वो एडवांस में ही शुरू कर देते हैं। और ये बात पोपट भाई अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए वो ऑफिस में अपने बर्थडे के लिए एक्साइटेड हो रहे हो। राइट। सो इन शॉर्ट, कल हम पोपट भाई का बर्थडे धूमधाम से मनाने वाले। राइट। ये लीजिए पोपट सर। हाँ? कल तो आपका बर्थडे है ना, कल आपको हम सबको पार्टी देनी होगी। पार्टी तो देना पड़ेगा। कैंसल कैंसल कैंसल। अरे भाई क्यों? अरे पोपट लाल, सबको पता है कि तुम बड़े कंजूस हो। हा? मेरा मतलब है शादी के लिए पैसे बचा रहे हो, मगर बर्थडे पार्टी तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। सुनिए सुनिए, मेरी बात तो सुनिए भाई। अरे सर, मैं पार्टी के लिए मना कर ही नहीं रहा हूँ, लेकिन कल मैं अपना जन्मदिन मेरे परिवार और बच्चों के साथ मनाना चाहता हूँ।
पोपट लाल, तुमने शादी कर ली और हम सबको बताया भी नहीं। अरे नहीं 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 सर, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। एक्चुअली परिवार से मेरा मतलब है मेरा गोकुलधाम परिवार, और बच्चे मतलब मेरी प्यारी टप्पू सेना। अच्छा अच्छा, अरे तो ठीक है ना, कल लंच पार्टी दे देना। सॉरी सॉरी सॉरी, एक्चुअली कल मैं छुट्टी पर हूँ। किसने परमिशन दिया? नहीं नहीं सर, छुट्टी मतलब मुझे चाहिए छुट्टी एक्चुअली मेरे जन्मदिन पर। पोपटलाल तुम एक जिम्मेदार पत्रकार हो, कर्तव्यनिष्ठ हो, फिर भी जन्मदिन पर छुट्टी मांग रहे हो। एक्चुअली सर, काम से छुट्टी लेना मुझे भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या है ना, मेरा जन्मदिन 4 साल में एक बार आता है, 29th February। तो कल मैं अपना जन्मदिन मेरे गोकुलधाम परिवार के साथ मनाना चाहता हूँ। मजा आ जाएगा। मोटी कमर, उड़ गए ना तोते पोपटलाल।